इज द क्वेश्चन. इफ टेन 45 प्लस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा, वेयर थीटा जो है वो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बराबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा. अभी क्वेश्चन आया, इसे कौन कर सकता है? सो ताकि वैल्यू चाहिए वो माइनस के पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बीच में चाहिए, तो हम इनके बीच में कोई ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे ताकि इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. तो हम लोग टेन थीटा यहाँ पर जीरो पुट करेंगे ताकि हम लोग ट्राई कर सके कि हमारा आएगा कि नहीं. इससे ये होगा कि शॉर्ट टर्म हमारा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो टेन 45 प्लस जीरो थीटा या जीरो इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2 थीटा. अगर हम थीटा जीरो रखेंगे तो 2 जीरो तो वो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो डिग्री. यहाँ पर टेन 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है और यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू हमें पता है कि जीरो होती है. तो ये हमारा वन इक्वल टू 1, यानी कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया. अब हमारे जो हमने थीटा पुट किया है वो हम यहाँ रख सकते हैं. तो यहाँ पर जब हम cos 2 थीटा लेंगे तो cos 2 जीरो जिसकी वैल्यू होगी cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर 1 आ जाएगा. राइट आंसर 1 आ जाएगा. चेक कर सकते हैं हम, ऐसा टी यूज कर सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल आ रही है जो पुट कर लेते हैं. तो भाई वैल्यू पुटिंग मेथड हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली. थीटा जीरो हमने पुट किया और देखा कि tan 45 इक्वल टू 1 होता है, होता ही है, थीटा जीरो है, अभी हम डायरेक्ट पुट कर सकते थे, आंसर हमारा 1 आ जाता. If tan theta equal to minus pi by 12, then what can be the value of sin theta? क्वेश्चन दे रखा है. कितने लोग इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदिन सेकंड्स? तो if tan theta equal to minus pi by 12, then what can be the value of sin theta? क्वेश्चन है. 2022 में आया, तो क्या आंसर इसके हो सकते हैं? ये ऑप्शन दे रखे हैं. वैल्यू ऑफ sin theta क्या हो सकता है? तो कितने बच्चे इसे कर सकते हैं? सर वी नो दैट द tan theta equals to perpendicular upon base. So we use the property Pythagoras, h square equals to p square plus base. So sir, hypotenuse की value 13 आ जाएगी. Okay. So we directly write equals 13. And we know that sine theta equals to perpendicular upon hypotenuse. So it, sir, sine theta is belong in two quadrant. Sir, दो quadrant में ये negative होता है. sin theta के पहले यहां पे वैल्यू लिखो कि सर 5 परपेंडिकुलर है और यहां पे 13 हाइपोटेन्यूज है, तो 5 / 13 वैल्यू होगी. सर वी नो दैट द परपेंडिकुलर इज 5, सो वी पुट द वैल्यू 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13, वी कैलकुलेट फ्रॉम दिस. एंड नाउ वी डोंट गिव इन दैट sin theta इन व्हिच क्वाड्रेंट लाइज, सो वी टेक इट्स इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सो इट इज पॉसिबल वैल्यू इज 5/13 और -5/13. यहां पे ये बोलूं कि tan theta की जो वैल्यू है, क्योंकि माइनस दे रखी है सर, तो टेन थीटा माइनस कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में या फिर फोर में? यस सर. हाँ, तो ये बोलो कि टेन की सर वैल्यू क्योंकि नेगेटिव दे रखी है, तो हमें पता है कि या तो टेन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि नेगेटिव होता है, तो फिर फोर्थ में होता है. तो थीटा यहाँ पे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फिर फोर्थ में लाई करेगा. तो साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होती है, तो वाई 5/13 भी हो सकता है, -5/13 भी हो सकता है. Sir, we have given that tan theta equals to -5/12. So it is negative and tan theta is negative in second quadrant and fourth quadrant. So now we know that sin theta is positive in second quadrant and negative in fourth quadrant. So we take that answer 5/13 or -5/13. 5/13 in second quadrant and -5/13 in fourth quadrant. मतलब हमें नहीं पता कि theta कहाँ पे lie कर रहा है. तो अगर सेकंड क्वार्टर में लेके रहेगा तो 5/13 और फोर्थ क्वार्टर में लेके रहेगा तो -5/13. तो द क्वेश्चन इज इफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इज इक्वल टू पाई बाई 4, वेयर x बिलोंग टू 0 टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू. ये क्वेश्चन दे रखा है. ऑप्शंस आर 1 2 3 एंड 5. अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, कौन बताएगा मेरे को कैसे करना है इसे? In place of tan inverse 1/2, we'll write alpha, and in place of tan inverse x/3, we'll write beta, which is equal to pi by 4. We have written tan inverse 1/2 equals to alpha, so we can write it like this: 1/2 equals to alpha. So 1/2 equals to tan alpha, and same we'll do with tan inverse x/3. So tan beta is equals to x/3, and we know that tan 1/2 plus tan 1/3 exist in pair and its value is equals to pi by 4. So on comparison,
tan inverse, right? Tan inverse. Yes. On comparison, we see that it's written x by 3, but it should be 1 by 3. So x should be equal to 1. Okay. This will be inverse, right? Yes. Tan inverse 1 by 2, right? Yes, sir. Okay. थोड़ा सा स्पीड पे काम करना है, बाकी सही है, थोड़ा लेंदी जाता, yes, फिर एक्स की वैल्यू निकालते, तो इट विल टेक टाइम, yes, पर जो वन है वो डायरेक्ट आ जाएगा, yes, ऐसे करके, है ना, क्योंकि फेयर याद है तो, ठीक है, थैंक यू सर. Question is, if tan alpha plus tan beta equal to 1 minus tan alpha into tan beta, where tan alpha into tan beta does not equal to 1, then which of the following is one of the values of alpha plus beta? Question सुन रहे हैं? Yes. ये ऊपर condition दे रखी है, tan alpha plus tan beta equal to 1 minus tan alpha into tan beta, और alpha plus beta की value क्या होगी, पूछा गया question. It will be pi by 6, or pi by 4, or pi by 3, or pi by 4. तो कौन question यहाँ पे कर सकता है? Sir. जैसे कि question में दिया गया है, alpha plus beta की value find करनी है. हाँ. तो इसके लिए इसको ये इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, इसके 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो अगर टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये टेन पाई बाई 4 हो जाएगा, 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4, व्हेन वी कंपेयर अल्फा प्लस बीटा विल बी पाई बाई 4, दैट इज ऑप्शन बी, यस सर. तो ये इस तरह कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ओके, अब अगर ऐसा बोल दे कि टेन अल्फा और बीटा की जगह पे कुछ और देते वैल्यू, कि tan थीटा प्लस tan 9 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा इनटू tan 9 थीटा, और पूछ दे कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उसका भी इस्तेमाल आएगा क्या, yes, पाई बाय 4, है ना, यस सर, ओके ग्रेट. इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 4 एंड 2 tan अल्फा इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2 बीटा इक्वल टू, कौन करेगा इस क्वेश्चन को, सर सर एज वी हैव गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाय 4, ओके, एंड 2 tan, so as we have given that alpha plus beta is pi by 4, and 2 tan alpha is 1, so we can write tan alpha as 1 by 2, and as we know that alpha, if alpha plus beta is equals to pi by 4, so there is a pair 1 by 2 and 1 by 4, 1 by 3, it gives pi by 4 only, okay. So we can use this, so our tan, we will get tan beta is equals to 1 by 3, and so tan alpha 1 by 2 hai, aur alpha plus beta pi by 4 hai, to tan beta 1 by 3 aayega, and ab humko nikalna hai tan 2 beta, ab tan 2 beta ka formula hota hai 2 tan beta upon 1 minus tan square beta, okay. So इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे टैन बीटा की, तो 2 इंटू 1 बाय 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 9 स्क्वायर कर दिया 1 बाय 3 का, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाय 3 अपॉन 8 बाय 9, सो आफ्टर कैंसिलिंग इट वी विल गेट 3 बाय 4, यस, सो द आंसर विल बी सी, थोड़ा स्पीड पे काम करना है, हाँ जी, बाकी सही है, तो इंडिया की तैयारी ऐसे करेंगे, रिटर्न तो क्रैक हो जाएगा, फिर आएगी एसएसबी, अरे एसएसबी में पर्सनल इंटरव्यू होता है, यस सर, और लास्ट वाले दिन भी इंटरव्यू होता है कॉन्फ्रेंस हॉल में, यस सर, तो उसमें हॉबीज की बात की जाती है, यस सर, यहां पे किसकी क्या-क्या हॉबीज हैं, सिंगिंग, पोएट्री, हां, क्या पोएट्री, शायरी, पोएट्री, सो पोएट्री, पोएट्री लिखते भी हो या फिर केवल बोलते हो बस, पोएट्री सर लिखती हूं, लिखते भी हो, किस पे लिखी है पोएट्री, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, No. Okay, so the poem is titled as The Great Massacre, and it goes like, the act Rollat came like a sudden blow and was the reason for this devastating flow. In receiving the report from the sedition, the people protested in addition. All the leaders objected for their misendeavors. In receiving the report from the sedition, the people protested in addition. All the leaders objected for their misendeavors. A large peaceful crowd gathered. But their hopeful heart started. Their main target was to protest against the leader's Rollat arrest. Dyer's troops closed all the exit, and this was the deed no one noticed. The troops kept firing till their ammunition exhausted. To exit, there were no directions sorted. When bullets were fired, all hurried. In this, men, women, children all got worried. About 1,000 innocents were killed. The place was blood-filled. In the present scenario, this isn't healed. The wounds are still there on the field. Every Indian asks themselves, why us, why? But on 15th August 1947, we said goodbye. The day was dark and there was a flood. When the sun cried tears of blood,
transformed the sail into the dark red mud. The dark red sunshine from the heaven came down to dine, a history no one can decline. Great. Thank you, sir. Can you clap? Yes.